हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल फोन यूज ऐसा यूज हो गया कि हर बंदा ही चाहता है, हर कस्टमर हर यूजर ये चाहता है कि उसके पास एक ऐसी डिवाइस मिले उसको जो दूसरों से हटके हो। इसी वजह से हर 6 महीने 8 महीने में चाइनीज कंपनीज की ढेर मार लगी हुई आपको बहुत सारा फोन देती हैं। जो ब्रांड है वो फ्लैगशिप फोन लॉन्च करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे यूजर्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं एक मिड रेंज की डिवाइसेस के ऊपर। तो गाइज, आज की वीडियो एक मिड रेंज डिवाइस पे ही बनी हुई है जो कि है वीवो की तरफ से V9। गाइज, इस वीडियो में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन का बताएंगे, इसकी प्राइस का बताएंगे, इसके लॉन्च डेट का बताएंगे कि पाकिस्तान में ये कब आपको मिल सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सके। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वीवो की तरफ से न्यूज वीवो V9 को लेके। जी हाँ गाइस, V9 मार्केट में एक पहला ऐसा फोन होगा जो 19:9 की रेशियो पर आपको मिलेगा। वीवो तो वैसे पाकिस्तान में 2017 में आया था, इसने लास्ट वेरिएंट जो अपने लॉन्च किए थे वो V7 और V7 Plus लॉन्च किए थे। अब वीवो करने जा रहा है V9 को लॉन्च। देखते हैं, वीवो के लिए एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है कि इसके अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है बहुत अच्छी मिलने वाली है, लुक बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो भाई तैयार हो जाओ, आपको कंप्लीट पैकेज वीवो की तरफ से मिलने वाला है इंशाल्लाह। इन फ्यूचर आपको इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी मैं इसी भी चैनल पर आपको दूंगा। गाइस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आता है प्रोसेसर। वीवो ने लास्ट टाइम भी जो दोनों डिवाइसेज में यूज किया था स्नैपड्रैगन यूज किया था, अब वीवो यूज कर रहा है 626 का 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का। जी हाँ दोस्तों, वीवो बहुत अच्छा कंपटीटर है, खासकर जो चाइनीज ब्रांड है जितने भी मार्केट में उनका बहुत अच्छा कंपटीटर है। स्नैपड्रैगन के साथ आपको मिलेगा, इसके अंदर जो आपको एड्रीनो जीपीयू जो मिलेगा वो एड्रीनो 506 का मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को जो मिलेगा वो 8.0 का मिलेगा, जब आप अनबॉक्स करेंगे तो 8.0 पर अपडेटेड मिलेगा। इसके अंदर जो आपको रैम मिलने वाली है वो 4 GB की मिलने वाली है और साथ ही मेमोरी आपको मिलेगी 64 GB की। जी फ्रेंड्स, 64 GB इनफ है स्मार्टफोन्स के लिए। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको फ्रंट साइड पर देखने को मिलेगा। सेल्फी लवर्स गौर से सुन ले इस बात को कि 24 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि अपर्चर सपोर्ट करता है 2.2 का। जी हाँ दोस्तों, विद एलईडी लाइट मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा। बैक साइड पर आपको मिलेगा वर्टिकल शेप में 2 कैमरा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डेप्थ इफेक्ट के साथ जो कि अपर्चर सपोर्ट करते हैं 2.2 के। और बैक साइड का जो वीडियो अपना कैमरा होगा वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देगा 2180 की 30 FPS पे। पहला फोन ऐसा देख रहा हूं जो एक मिड रेंज में आ रहा है और आपको दे रहा है 30 FPS पर 2180 का वीडियो रिकॉर्डिंग। मींस ये कि वीवो ने बहुत अच्छा एक डिवाइस ऐसा में दे दिया आपको कि जो आपको कैमरा के साथ 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 आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा देगा। फ्रंट कैमरा जो रिकॉर्ड करता है 1080p पर 30 FPS पर रिकॉर्डिंग करेगा। स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो बॉडी मिलने वाली है आपको 19:9 की रेशो की मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करती है 1080x2180 पिक्सल्स को। इसका PPI जो होगा वो 400 PPI होगा। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और जो एक खास बात जो बार बार वीवो को देख के आ रही है जेन में वो ये कि आईफोन X की तरह इसके फ्रंट पर भी आपको नॉच मिलने वाली है। तो गाइस, ये आपको फ्रंट साइड से सेम एज लाइक आईफोन एक्स आपको लुक देने वाला है। रियर साइड से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलेगा। एक खास बात इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि ये आपको फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग 3 देगा। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी ने मुझे थोड़ा सा वरीड किया, लेकिन जब रिव्यू करेंगे तब देखेंगे बैटरी टाइमिंग क्या होती क्या नहीं। बैटरी इसके अंदर आपको मिलेगी 3280 mAh की, लेकिन वीवो को चाहिए था एटलीस्ट अगर 6.3 की स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा है 6.3 में कम से कम 4000 mAh बैटरी होनी चाहिए थी। लेकिन सो होप सो कि ये वीवो का एक अच्छा बजट फोन हो, एक मिड रेंज का बहुत अच्छा फोन हो जो कम से कम मार्केट में मोस्टली लोगों को पसंद है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये अप्रैल 15 या 20 तक पाकिस्तान की मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा और प्राइस होगी इसकी 35,000 से 40,000 रुपए तक। लेकिन अगर वीवो इसी को 30 या 32,000 V7 Plus की प्राइस में लेके आता तो बहुत अच्छा होता। सो गाइज, ये था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने V9 को लेके। उम्मीद करता हूँ वीवो मार्केट में अच्छा कम्पीट करे बाकी कंपनीज को। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज।